बहुत खुशी की बात है। मैं देख रहा हूँ कल से पूरे गांव के लोग आ रहे हैं, तो मुझे भी बहुत खुशी हो रहा है। और साथ में इस बात का भी एहसास हो रहा है कि अगर मेरे कारण अगर कुछ और बच्चे मोटिवेट हो जाएं गांव देहात के, तो ये बड़ी और खुशी की बात है। अच्छा, कैसे तैयारी किए? पूर्व में आपको सफलता नहीं मिला UPSC में, तो क्या हताशा भी हुए थे क्या? हाँ, इंसान को जब सफलता नहीं मिलता है तो दुख तो होता ही है, मुझे भी हुआ था। हताशा नहीं हुआ था क्योंकि मुझे यकीन था कि हो तो जाएगा, अगर इस बार नहीं तो अगले बार। तो मतलब दुख होता है लेकिन हताशा नहीं हुआ था। और एक तरीके से वो कभी कभी आदमी जब असफल होता है तो गुस्सा भी आता है, और उस गुस्से में कभी कभी आदमी ज़्यादा मेहनत करता है, तो वो वाली भावना भी साथ में रहती है। तैयारी जैसे मैंने 2021 से शुरू किया, 2021 में पहली बार दिया था, तो मैंने 2020 से ही 19 से ही शुरू कर दिया था। जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, तो उसी टाइम मैंने कोचिंग किया था ऑनलाइन, और ऑनलाइन कोचिंग किया। और फिर मैं 2021 के बाद 22 में मैं दिल्ली चला गया। पिछले 2 साल से मैं दिल्ली में था, तो वहाँ मैं मुखर्जी नगर में था कुछ दिन, फिर करोल बाग में था, और अभी मैं 1 साल से जामिया मिलिया इस्लामिया में था। तो इन जगहों पे दिल्ली में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में मैं गया, उनके मटेरियल्स को देखा, और यूट्यूब्स पे इंटरनेट पे तो ये हैं गाइडलाइंस, उनको फॉलो किया। हम यही कहेंगे कि जो भी आप मेहनत अगर कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको फ़ायदा करेगा। कभी कभी थोड़े समय के लिए कुछ निराशा हाथ लगता है, लेकिन उसे परेशान नहीं होना है। लंबे समय का अगर आप प्लानिंग करके करें तो ज़रूर फ़ायदा मिलता है, सक्सेस मिलता है। मैं बेटे की सफलता से मैं बहुत गौरवान्वित हूँ, जो कह नहीं सकता मुझे कितना खुशी मिल रहा है। बस बेटे की कामयाबी में मेरी कामयाबी है, और हर बाप का भी यही ख्वाहिश होता है कि बेटा हमसे भी बेहतर करे, जो हमें अभी देखने को मिला है। 574 रैंक है, 574। हाँ, ये हमारा तीसरा अटैम्प्ट था। सबसे पहला अटैम्प्ट कब था? 2021 में। उस समय कोई अचीवमेंट? उस समय इंटरव्यू तक गए थे लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। दूसरे प्रयास में प्रीलिम्स नहीं हुआ था। इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? वही मम्मी पापा को और टीचर को। आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से की थी? पढ़ाई तो पहले तो गांव में गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ते थे, फिर सैनिक स्कूल में गए, और फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए, और पिछले 2 साल से फिर अभी दिल्ली में रह रहे थे। इसमें IPS मिल सकता है और IRS भी मिल सकता है, अभी कोई निश्चित नहीं है, लेकिन प्रेडिक्शन है कि IPS मिल सकता है। हाँ, बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। IPS बनने के बाद आपका क्या लक्ष्य होगा, आप किस प्रकार से काम करेंगे? वो तो ट्रेनिंग होगा, उसके बाद समझ में आएगा कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो उसके अनुसार जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी काम किया जाएगा। मैं कहाँ? दिल्ली में कुछ दिन तक मुखर्जी नगर में थे, फिर अभी जामिया में थे कुछ दिन से। नहीं, और भी बहुत सारे लक्ष्य थे, बट एक लक्ष्य ये भी था कि हाँ, इस परीक्षा में पास करना है। 1 साल से जामिया में थे। आपका अभी एज कितना होगा? 24 साल। पढ़ाई कर लिया है, आपको कैसा इस समय अनुभव हो रहा है? बताने का मेरे पास शब्द ही नहीं है कि खुशी हमें कितना हो रहा है। इसी दिन का हमें इंतजार था, जो आज हमें 2 बजे मिला है, जो जब खबर मिला है वो हमारा अंतिम लक्ष्य जो है पूरा हो गया। आपका हर बाप का जो ख्वाहिश होता है।